जो हमारा जो टैंक है इसको हम सबसे पहले तो पीछे से बैकग्राउंड डिजाइन लगाएंगे, और डिजाइन लगाने के बाद बाकी का सेटअप चालू करते हैं। तो डिजाइन के लिए हम देखेंगे हमारे पास में जो डिजाइन अवेलेबल है, कौन कौन सा डिजाइन अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, एक डिजाइन हम यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लुक, ब्लैक कलर के अंदर ग्रीन कलर का मल्टी शेड है। अगर ये डिजाइन अगर सबसे को समझो पसंद नहीं आता है तो मैं दूसरा डिजाइन इससे बढ़िया बहुत भारी डिजाइन दिखा दूंगा। ये वाला ब्लू शेड में जैसा कि स्काई ब्लू जो नेचुरल सेटअप होता है, तो उसी टाइप से यहाँ पर एकदम फुल टू शाइनिंग में है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग बहुत ही अच्छी शाइनिंग है। और ये वाला जो हमारा कवर पोस्टर्स है, जो पीछे का कवर है, टू इन वन है। जैसा कि आप सामने से पीछे से दोनों भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने देख लिया कि हमारा डिजाइन है, और एक डिजाइन देखेंगे हम दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बॉर्डर टेप लगाया हमने, और आप ये बॉर्डर टेप के अंदर अलग अलग कलर्स है, मैं कलर्स दिखाना चाहूंगा। जैसा कि हमारे पास में एक आधा इंच के अंदर ये कलर्स है, देखिए कलर्स मैं आपको इधर से दिखा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कलर्स है सब यहाँ पर। ये कलर आप मेरे से अगर ऑर्डर कराना चाहे तो ऑर्डर करा सकते हैं, ये ऑनलाइन अपने पास में सर्विस में ये मिल जाएगा आपको बहुत ही कम रेट में। और ये बॉर्डर लगाने के लिए जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये जो ग्लू लगाया है, ग्लू की फिनिशिंग को हमें तो ये अगर बॉर्डर लगाएंगे तो यहाँ पे ग्लू नहीं दिखेगा, तो उसके लिए हमें तो इस बॉर्डर टेप का यूज करेंगे यहाँ पर।
बॉर्डर टाइप में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ऑरेंज है, ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, गोल्डन है, फिर प्लेन में है हमारे पास में, ब्लैक में है, व्हाइट में है, जैसा कि देख सकते हैं ब्लैक डॉट में है यहाँ पर, और शाइनिंग में है, स्टार में, ऑरेंज में है, जो चाहे अपन है तो ये व्हाइट वाला भी है, जो चाहे इसके अंदर हमें तो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते तो ये हमारे यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इतने सारे कलर्स अवेलेबल है। तो ये जो कलर आप चाहे तो ऑनलाइन मेरे से ये ऑर्डर करके भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मेरे से ये ऑर्डर करा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे जो एक्वेरियम को हमने वाटर टैप लगा दिया है, अब हम इसके अंदर हमारा सेटअप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम हमारे ये जो एक्वेरियम है, सबसे पहले होता है ग्रेवल्स। ग्रेवल्स के अंदर हम कौन से अलग अलग टाइप्स के, बहुत सारे अलग अलग ग्रेवल्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसा कि आपको पता ही है कि अपने इस पहले वीडियो के अंदर मैंने 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो मैंने डाला है ग्रेवल्स के ऊपर। आप ग्रेवल्स के डिटेल अगर देखना चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, चैनल के ऊपर, दो अलग अलग दोनों भी चैनल पे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे मल्टी स्टोन है, ये वाला जो स्टोन है मल्टी कलर का स्टोन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पर हमें एकदम सादा सिंपल अच्छे से हमारा एक्वेरियम डेकोरेट करना है, उसके लिए हम यहाँ पे मल्टी कलर यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर व्हाइट वाला। इस हमारे ये जो व्हाइट कलर का स्टोन है, इस व्हाइट कलर के स्टोन को हम यहाँ पे डालेंगे। तो दोस्तों हमें इसकी 2 इंच की लेयर करनी होती है, 2 इंच की लेयर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो सेटअप का जो प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। ये वाले जो हमारे पास में प्लांट्स है, इस प्लांट की जो हाइट है लगभग कि हमारा 12 इंच का 15 इंच का अगर एक्वेरियम है, 12 इंच के एक्वेरियम के अंदर हम नॉर्मली इस एक्वेरियम को, इस प्लांट्स को यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर अलग अलग 12 टाइप के अलग अलग मेरे पास में 12 अलग अलग टाइप्स में डिजाइन में कलर्स में है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्लांट्स है, इस प्लांट्स के लिए मेरे से ये ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। देखिए प्लांट्स में ग्रीन कलर है, ये देखिए हम पिंक पर्पल कलर से बढ़िया सा, यहाँ पे ब्लू कलर से, यहाँ पे देखेंगे हम ये वाला जो प्लांट्स है ग्रीन कलर में बहुत ही बढ़िया है, ये एक ग्रीन में और पिंक शेड में देखेंगे डार्क, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए आप अलग अलग कलर के ये जो प्लांट्स है मेरे से मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये सेटअप के लिए लगने वाले अलग अलग प्लांट्स है यहाँ पे हम देखेंगे उसको। और मैं इसके अंदर आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हमारा एक्वेरियम 12 इंच से अगर ज्यादा है, 15 इंच तक के है, तो उस एक्वेरियम के अंदर हमें क्या, ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स लेके इसको हम ज्वाइंट करके बड़ा भी कर सकते हैं। जैसा कि अपन देखेंगे बड़ा करने का प्रोसेस, इसको ग्रिप होते हैं, जैसा कि हमने निकाल लिया ग्रिप से। और दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, देख सकते हैं आप, ये जो है हमने हमारा जो प्लांट्स है 4 इंच का प्लांट्स है, 4 इंच को हमने 8 इंच कर दिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं 8 इंच हो चुका है। यहीं होता क्या है कि ये जो हमारे प्लांट्स बहुत ही सस्ते रीजनेबल प्लांट्स है, आप चाहे तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमने हमारा जो एक्वेरियम है 12 इंच का, उसके हिसाब से 8 इंच का हमने प्लांट बना दिया। इस टाइप से आप है तो और 4-4 इंच बढ़ा के इसको तो बड़ा एक्वेरियम में छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारा ये वाला जो प्लांट्स, हाँ तभी हमारा एक स्टोन हो गया, उसके बाद चलो। तो नेक्स्ट हमारा एसेसरीज के अंदर हम देखेंगे हमारे एक्वेरियम के अंदर जो जरूरी चीज होती है, ऑक्सीजन मशीन। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑक्सीजन मशीन है हमारे पास में, आरएस का 180। इस ऑक्सीजन मशीन को भी आप ऑर्डर में मेरे से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। जो मार्केट के रेट होते हैं, बाहर के रेट होते हैं, उन सबसे रेट अपना कम है। ये वाला एक्वेरियम मशीन ऑक्सीजन मशीन है, एयर पंप, और जिसके अंदर हम अगर ये नहीं लगाना है हमें तो ये भी यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग 2-3 कंपनी के हमारे पास में इंटरनल फिल्टर है, जो कि हम इस इन फिल्टर को हम यहाँ पे हमारे पास में एक्वेरियम में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये पानी को साफ करेगा, क्लीनिंग करेगा और प्लस ऑक्सीजन भी देगा। तो ये वाला हमारा इंटरनल फिल्टर है, हम इसके अंदर यूज करेंगे। पर ऐसा होता है कि ज्यादातर हमारे पास में गोल्डन मछली रखनी होती है, और गोल्डन मछली हम रखते समझ लो, मान लो हमने ये जो इंटरनल फिल्टर यहाँ पे लगा दिया, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये
यहाँ हमने देखा अभी तक कि हमारे पास में रॉक्स हो गए, प्लांट्स हो गया, उसके बाद में हम यहाँ पे इंटरनल फिल्टर लगाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फिल्टर्स है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारा जो एक्वेरियम होता है 2 फीट का, 2 फीट के एक्वेरियम के अंदर हम अगर इंटरनल फिल्टर लगाते हैं और गोल्ड फिश रखते हैं, गोल्ड फिश के जो फिन होते हैं तो इसके अंदर इसका प्रेशर से वो गोल्ड फिश की खिंचावट है, तो हमारे इस जो इंटरनल फिल्टर से फिल्टर खिंचावट के थ्रू है तो उसके अंदर गोल्ड फिश भी आते रहती है। तो उसके लिए हमें तो ज़्यादातर एक्वेरियम छोटा है हमारा, तो उस टाइम में अगर गोल्ड फिश अगर रखना है और ब्रीडिंग करना है तो उस टाइम में हमें तो इंटरनल फिल्टर ना लगाए। इंटरनल फिल्टर के अलावा हमारे पास में जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पंज फिल्टर अवेलेबल है, ये अगर गोल्ड फिश अगर हमारे टैंक में है तो हम ये वाला जो फिल्टर है ये फिल्टर यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखा कि जो हमारा ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर का वैट मैं आपको बताना चाहूंगा, 15 वैट का फिल्टर है इंटरनल, तो इसके अंदर हमारे 15 से 30 वैट, 40 वैट, 50 वैट सब साइज के छोटे से बड़े तक पूरे हमारे फिल्टर्स हैं। ये फिल्टर्स के अपने काफी पिछले जो दो वीडियो है उस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखते हैं अभी हम इसको पहले हम ज्वाइंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमारा जो एयर पंप है, एक 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 सॉकेट हमें तो एयर पंप को जोड़ देंगे इस मशीन को, और दूसरा सॉकेट हमें तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे कि जो हमारा जो स्पंज फिल्टर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अभी तक के देखा कि हमारा स्पंज फिल्टर यहाँ पे लग चुका है, इसके बाद में हमें इसके अंदर कोई भी एक टाइप का दो टाइप के टॉयज यूज करने हैं, तो मैं टॉयज के बारे में आपको बता दूँ। टॉयज हम इसलिए यूज करते कि टॉयज से तो हमारा ये जो चलता है ऑक्सीजन भी चलता है, और ऑक्सीजन से भी अंदर मछलियों को काफी अच्छा हेल्प मिलती है। जैसा कि एक जगह ऑक्सीजन चलने से भी जगह पे हम दो जगह पे लगाते हैं तो बढ़िया, उनको भी मजा आता है, ऑक्सीजन भी अच्छा रहता है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन जो चलाते हैं हम तो ऑक्सीजन के अंदर जो एक्टिविटीज होती है उसको देखिए बच्चे और बड़े को बहुत सारा अच्छा लगता है, हमारे जो एक्वेरियम है एक्टिव लगता है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारे जो एयर पंप के ऊपर जो चलने वाले हैं टॉयज, इस टाइप से हमारे ये वर्क करेंगे। और दूसरा वाला जो व्हील है, हम अगर ऑक्सीजन पाइप ही है, ये वाला जो पाइप है हम यहाँ जोड़ते हैं इसको, तो ये भी कंटिन्यूस पानी में घूमता रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा ये पैराशूट है, बहुत ही प्यारा, ये भी एक्टिव, बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा, इसमें वर्किंग अच्छे से होगी। ये मान लो जैसा कि हमने इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है,